ईमानदारी से। ऑडिट yes, sir. क्या होता है बेटा? ऑडिट ऑडिट किसी चीज को रेक्टिफाई करना, मतलब उसकी चेक करना कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अगर मैं ऑडिट को एक्चुअली डिफाइन करूं तो सबसे पहली बात तो ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। सही बात है गलत बात है? yes, ये एक तरह का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इसको करने के दो पर्पस होते हैं, एक तो सच्चाई को बाहर निकालना, ट्रू एंड फेयर व्यू कि सब चीजें सही है कि नहीं है। सेकेंड थिंग जो ऑडिट के साथ होती है वो ये है कि ये डिटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट करता है किसी भी तरह के एरर एंड फ्रॉड को। आप पहले तो इस कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लो। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जिसको करने का पर्पस दो होता है। पहला पर्पस ये होता है कि देखना कि सब चीजें ठीक है सही है कि नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं। और फिर दूसरा पर्पस इसका यह होता है कि अगर कल को किसी तरह का एरर या फ्रॉड होने का चांस भी हो तो पहले से उसको डिटेक्ट करके रोका जा सके। ये ऑडिट होता है। अब क्या होता है, बेसिक टर्म तो ऑडिट है, आप जो एक्टिविटी करते हो ऑडिट वैसा ही बन जाता है। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करोगे, आप ये देखोगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपरली है कि नहीं, तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑडिट। अगर आप ये देखोगे कि कंपनी जो है वो इको फ्रेंडली वर्क कर रही है कि नहीं, इको फ्रेंडली वर्क मतलब पॉल्यूशन ज्यादा तो नहीं फैला रही है, तो ये बन जाता है एनवायरमेंटल ऑडिट। ये बन जाता है एनवायरमेंटल ऑडिट। अगर आप ये देखते हो कि यार कंपनी का पैसे का हिसाब किताब कैसा है, फाइनेंस कैसा है, तो यह बन जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जिसे हम फाइनेंशियल ऑडिट भी बोलते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि आप टैक्स के बारे में हिसाब किताब जानना चाहते हो तो आप उसके लिए करते हो टैक्स ऑडिट। तो ऑडिट एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंटली चीजों को एग्जामिन करना। ये जिस चीज के साथ लग जाती है ऑडिट उसी नेचर का हो जाता है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड करोगे तो एनवायरमेंटल ऑडिट हो जाएगा, कॉस्ट से रिलेटेड करोगे तो कॉस्ट ऑडिट हो जाएगा, फाइनेंस से रिलेट करके करोगे तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो जाएगा, टैक्स से रिलेट करके करोगे तो टैक्स ऑडिट हो जाएगा। आप बताओ पहले ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। अब यदि आपको ये जानना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसा वर्क कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट क्या कहलाता है, वहां के जो डायरेक्टर्स होते हैं मैनेजर होते हैं वो वहां का मैनेजमेंट कहलाते हैं, वो कैसा वर्क कर रहा है, अगर आपको ये जानना है तो आप ऑडिट वर्ड को जोड़ दीजिए मैनेजमेंट के साथ, तो ये बन जाएगा क्या? मैनेजमेंट ऑडिट। तो अब आप मुझे बताओ क्या होता होगा मैनेजमेंट ऑडिट, क्या करते होंगे मैनेजमेंट ऑडिट में? क्या करते होंगे? मैनेजमेंट को मॉनिटर करते होंगे कि मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं और कहां मिस्टेक हो रही है। जैसे सीख गए आप इस चीज को, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैनेजमेंट ऑडिट इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी। देखो कहीं से भी कंपल्शन नहीं है इसका, वॉलंटरी एक्टिविटी where the appraisal मतलब होता है evaluation of persons at management level is done। मैनेजमेंट ऑडिट एक वॉलंटरी एक्टिविटी होती है जहां पर यह चेक किया जाता है कि मैनेजमेंट लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले बताओ मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब समझ आया कि नहीं, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं। yes. क्या आपको मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब समझ आया? हाँ या ना? भावना का ऑडियो ही नहीं कनेक्ट हो रहा है, बाकी दो बच्चों को मैसेज पहुंचा ही नहीं है, तो इसका मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सेम लेक्चर को मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा। ठीक है,
आप इसको अच्छे से देख देना। पहले मैं एक बेसिक सिखा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं क्या करूंगा आपको नोट्स पे ले आऊंगा और आपको एक एक चीज कराना शुरू करूंगा। क्रिकेट टीम है वेस्ट इंडीज, ठीक है। प्लेयर्स जो है 11 बहुत अच्छे हैं, 11 प्लेयर्स बहुत ही अच्छे हैं, पर फिर भी हर मैच में इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब जा रही है, परफॉर्मेंस बैठ जा रही है। जब वीडियोग्राफी करी गई, देखा गया, तो ये पता लगा कि ये खेलने के मूड में ही नहीं है, ऐसा लग रहा है इनको जबरदस्ती मैदान में उतार दिया गया। तो यहां पर जो वेस्ट इंडीज के गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक ऑडिट किया वेस्ट इंडीज के बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड का। वहां पे पता लगा दो ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो प्लेयर्स की सैलरी रिलीज नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स की सैलरी रिलीज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण प्लेयर्स का खेलने में मन नहीं लग रहा है और टीम हार रही है। तो अगर ये ऑडिट नहीं किया जाता तो पता नहीं लगता कि गड़बड़ कहां पे है। तो प्रॉब्लम इन दो ऑफिशियल्स के साथ है। तो पहले तो इनको नोटिस दिया जाएगा, फिर अगर ये नहीं माने तो इनको फायर कर दिया जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अमन नाम का एक पर्सन है, वो पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालता है। कंपनी का बॉस वर्दा है, कंपनी की बॉस वर्दा है, शी इज द बॉस। अब वो बहुत समय से देख रही है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट अप टू मार्क, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो वो एक इनिशिएटिव लेती है और ये चेक करवाती है कुछ बाहर के लोगों से कि पता करो कि मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिक्कत क्या है। तो जब वो लोग चेक करते हैं तो उनको पता लगता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है अमन, वो अभी अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि वो वर्क पे ध्यान दे नहीं पा रहा है, जिसके कारण जो है प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो अब बताओ यहां पे अमन के साथ क्या किया जाना चाहिए, अमन के साथ क्या किया जाना चाहिए, आप बताओ, बोलो। वर्दा बॉस है, अमन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोडक्शन अप टू मार्क नहीं है, तो चेक करवाया गया प्रॉब्लम क्या है। तो पता लगा अमन अपनी पर्सनल लाइफ में ज्यादा बिजी हो गया है। तो अब क्या करें यहाँ पे हम लोग, ये बताओ। अमन की सैलरी रेस कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको आप वार्न करो कि आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान दो, पर्सनल लाइफ को अलग रखो। सेकेंड, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इफ मनी इज द प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, उसका अमाउंट बढ़ा देंगे, रेस कर देंगे। प्रॉब्लम कुछ और है तो कोई खुद निपटे, हम उसको रिप्लेस करके किसी और को ला देंगे। दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है, सही बात है कि गलत बात है, ये बताओ। अब आप ये बताओ, आपको मैनेजमेंट ऑडिट समझ कितना आया, क्या होता है, ये क्लैरिटी आ गई? यस सर। चलो, तो अब हम लोग इसको, आपकी मॉड्यूल आ गई है, बुक्स आ गई है क्या बेटा? यस सर। तो हम लोग ना एकदम एग्जैक्ट मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सीएमए फाइनल में मॉड्यूल के बाहर कुछ आता है नहीं, ठीक है। तो मैं लाइंस टिक करा रहा हूँ, अगर आपकी मॉड्यूल होगी तो आप साथ साथ टिक करते जाओगे क्या? ओके सर। आप निकाल दीजिए मॉड्यूल, मैं आपको साथ साथ टिक कराते जाता हूँ। शुरू करूं? आप ना यहां से शुरू करना, चलो निकाल दो, बुक निकाल दो आराम से और शुरू करते हैं फिर। स्टार्ट करें? यस सर। आप ना ऊपर कुछ भी मही नहीं लिखेंगे, इंट्रोडक्शन पे मत दिमाग लगाना, आप सीधे आना डेफिनेशन पे, मैं जो टिक करा रहा हूं वो पढ़ना। मैनेजमेंट ऑडिट इज द यूनिक प्रोसेस, यहाँ पे ऑफ वर्ड आएगा, लिख दो ओएफ, ऑफ अप्रेजिंग। अप्रेजिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली चेकिंग, इंडिपेंडेंटली चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर,
मैनेजर और इन अदर वर्ड्स अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट, ये इसकी मीनिंग हो गई। एक यूनिक प्रोसेस होता है जहां पे इंडिपेंडेंटली डायरेक्टर, मैनेजर और पूरे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। पहले आपको ये लाइन समझ आई, वर्ड समझ आए कि नहीं, आप ये बताओ, कोई लाइन या वर्ड जिसमें दिक्कत? ये जूम कर दिया, मेरी आवाज एकदम क्लियरली आ रही है ना बेटा? यस सर, क्लियर है। इसी टाइम पढ़ेंगे हम लोग, है ना, 11:30 बजे, अभी जब तक सौरभ सर ने टाइम टेबल दिया है, ठीक है? आगे देखो, इस लाइन को आप पढ़ो और एकदम अच्छे से समझ लो। इट इज नॉर्मली प्रिज्यूम्ड टू बी नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन इनटू परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजर और ग्रुप ऑफ मैनेजर। मतलब ये कंपल्सरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, ऑप्शनल है, करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए करना होता है। डन, मार्क। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे मीनिंग पढ़ दी, डेफिनेशन पढ़ दी, तो आगे नीचे जो आपको ऑथर्स की डेफिनेशन दी है पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप नीचे आना, क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है, पर्पस पे आना, यहां पे लिख देना पर्पस, क्यों करना है मैनेजमेंट ऑडिट, ताकि हम हर लेवल के मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सके, चेक कर सके। हर लेवल का मतलब होता है टॉप लेवल कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेनली फोकस तो इसी पे रहता है, टॉप पे। लेकिन कई बार ये लोग अपने स्कोप में मिडिल लेवल को भी दे देते हैं और लोअर लेवल को भी दे देते हैं। ये सबसे पहला पर्पस है मैनेजमेंट ऑडिट का, ये देखना कि हर लेवल पे मैनेजमेंट परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरी चीज, स्पॉटलाइट द डिसीजन और एक्टिविटी डेट आर नॉट इन कंफर्मिटी विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये फोकस करना कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है उससे कौन सी एक्टिविटी है जो डेविएट कर रही है, डेविएट कर रही है मतलब अलग जा रही है। अगर तुम्हारा अभी एम जो है वो सीएमए फाउंडेशन क्लियर करना है, सीएमए फाइनल क्लियर करना है, तो आपका सारा जो एक्टिविटी है उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो कल को अगर मैं आपकी पढ़ाई लिखाई चेक करूं तो मुझे लगना चाहिए ना कम से कम कि आप सीएमए फाइनल की पढ़ाई करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर ये स्पॉटलाइट करके देखा जाता है कि आपकी कौन सी एक्टिविटी है जो ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जा रही है। नेक्स्ट, इसमें यह चेक किया जाता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता भी है कि नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन का एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। तीन पर्पस, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें पूरे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना है। दूसरी चीज, वो लोग जो डिसीजन दे रहे हैं क्या उससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा कि नहीं, ये देखना है। और तीसरी चीज ये देखना है कि लोगों को पता भी है कि नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है। अगर एम ही नहीं पता होगा तो काम कैसे करेंगे। आप बताओ, तीन पॉइंट समझ आए कि नहीं है, तीनों पॉइंट समझ आए कि नहीं है? हाँ या ना? कोई ऐसा पॉइंट है जिसका एग्जाम्पल चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट है जिसका क्लियर है तीनों? देन आपको ये देखना होगा कि आपके जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, कंट्रोल मेजर्स मतलब ऐसे एफेक्टिव मेजर्स होते हैं बेसिकली जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को खराब नहीं होने देते। तो आपको ये देखना है कि हर लेवल पे कंट्रोल मेजर्स बहुत प्रॉपरली लगे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी चीज परचेज होगी तो बिना अप्रूवल के नहीं हो सकती। जब तक मैनेजर से अप्रूवल नहीं होगी कोई भी सामान नहीं खरीदा जा सकता। एक तरह का ये कंट्रोल मेजर है। इससे हमेशा ये पता रहता है कि कितना मटेरियल खरीदा गया है। तो हम मैनेजमेंट ऑडिट में ये देखते हैं कि ऐसे ही कंट्रोल मेजर हर जगह लगे हैं कि नहीं लगे। देन हम ये चेक करते हैं कि हमने जो प्लानिंग करी है क्या वो प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। पांच चीजें, सबसे पहला हम मैनेजमेंट लेवल की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, दूसरा उनकी एक्टिविटीज को देखते हैं, तीसरा ये देखते हैं कि उन्हें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता भी है कि नहीं, चौथा उन्होंने कंट्रोल टूल्स लगाए हैं कि नहीं या कंट्रोल मेजर्स लगाए हैं कि नहीं। जैसे परफॉर्मेंस परचेज डिपार्टमेंट में परचेज के लिए अप्रूवल देनी पड़ती है, एक कंट्रोल मेजर है। देन ये देखा जाता है आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है कि नहीं है, और लास्टली ये देखा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, किसको क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ताकि हम वीक लिंक को ढूंढ सकें।
जो कमजोर है उसको ढूंढ सके और उसको या तो रिमूव कर दे या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे। ये पर्पस आप पढ़ लीजिए, पर्पस में कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी का भी एग्जांपल चाहिए कोई पर्पस ना समझ आया हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर? ये फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से। कंट्रोल मेजर। यस सर। देखो कंट्रोल मेजर एक वाइडर कंसेप्ट होता है। कंट्रोल मेजर का मतलब होता है दो स्कूल्स विच आर मेड टू अवॉइड मिस्टेक। ऐसे टूल्स जिनको इसलिए बना दिया जाता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। जैसे आपके यहाँ जितने भी रॉ मटेरियल लगते हैं या जितने भी लेबर्स रखते हैं, ठीक है, इनका बराबर हिसाब किताब कॉस्ट शीट में होता है कि नहीं होता? कॉस्ट शीट में हम सारे मटेरियल लेबर का हिसाब रखते हैं कि नहीं? हाँ या ना? रखते हैं, है ना। जितनी भी सेल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, सेल्स रिकॉर्ड? Yes. जितनी भी सैलरी हम देते हैं तो उसकी सैलरी शीट बनाते हैं कि नहीं बनाते? Yes. ये सब क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं ताकि किसी भी तरह की मिस्टेक अवॉइड हो सके, टू अवॉइड मिस्टेक। जैसे तुम भी अभी पढ़ाई जैसे कर रहे हो, तुम अपनी स्टडी कर रहे हो, तो ऐसे ही करोगे कि टाइम टेबल बना के करोगे? टाइम टेबल बना के ही करोगे ना? आप एक कंट्रोल मेजर अपना रहे हो, ये मेजर है जिससे आप डिसिप्लिन में रहोगे और आपसे गलतियां होने से बचेंगे। तो मैनेजमेंट ऑडिट में हम ये कोशिश करते हैं कि कंट्रोल मेजर्स को चेक किया जाए कि हर लेवल पे प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। बात समझ आई? जी सर। और बताओ कोई ऐसा पॉइंट जो सिर के ऊपर से गया? आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं। जिसका एग्जाम्पल चाहिए उसका एग्जाम्पल देंगे, सबको बेहतरीन तरीके से करेंगे। पर्पस क्लियर है? यस सर। पर्पस के बाद आता है ऑब्जेक्टिव, एम क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट का एम क्या है। ठीक, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अब टिक करते जाओ, साथ साथ जो ना समझ आया मुझे बताना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम ये चाहते हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। कई बार कुछ मैनेजर थोड़े नालायक टाइप के रहते हैं, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज खराब कर देते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जब मैनेजमेंट ऑडिट हो तो हम ये पता कर सकें कि कौन रिसोर्स वेस्ट कर रहा है, ताकि रिसोर्स का एक बेटर यूटिलाइजेशन हो। जैसे मनी, मटेरियल, मशीन, मैन, मेथड, ये सारी हमारी रिसोर्सेस होती है। जब मैनेजमेंट ऑडिट होता है तो मैनेजर के मन में एक डर बैठ जाता है कि रेगुलर मेरे काम की चेकिंग हो रही है तो मुझे कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, एक्स नाम का पर्सन कंपनी का डायरेक्टर था, ठीक है, वो कंपनी की कार को पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, हर जगह पेट्रोल कंपनी के पैसे से भराता है। अब आप बताओ जिस दिन से मैनेजमेंट ऑडिट चालू होगा क्या इसकी हिम्मत होगी ऐसा करने की? नहीं। क्यों? पकड़ा जाएगा और पकड़ने तो नौकरी से निकाल देंगे, तो इसके मन में डर बैठ जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑडिट करने का हमारा एम ही है कि रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन हो, जिस काम में जहां जो रिसोर्स लगनी चाहिए वहीं लगे और उसका वेस्टेज ना हो। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? यस सर। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम हाईलाइट कर सकें कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी प्रोसीजर क्या है, हम बता सकें कि हम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। हमेशा हर चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ी ना पड़ता है। मैनेजमेंट ऑडिट होने से कई बार लोगों की एफिशिएंसी भी सामने आती है कि वाह देखो कितना अच्छा काम करते हैं, पॉलिसीज बराबर चल रही है लोगों की, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, तो इससे एक मोटिवेशन भी आता है। तीसरी चीज, आपको इम्प्रूवमेंट के सजेशंस मिलते हैं। जब ऑडिट होता है तो आपको बताया जाता है कहाँ पे आप कमजोर पड़ रहे हो, कहाँ पे आप फेल हो रहे हो, तो लेटर ऑन फिर क्या आपको बोला जाता है आप अपनी थोड़ा टेक्निक सुधार दो। जैसे आप लोग जब कुछ भी पढ़ाई करते हो तो उसका टेस्ट देते हो ना, टेस्ट से क्या पता लगता है कि आपकी कमियां कहाँ पे है। तो एक तरह का ऑडिट तो है वो, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या करते हो आगे और इम्प्रूव करते हो। बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? यस सर। तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर है कि आधे अधूरे क्लियर? जी सर। चौथा, जब हम मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं तो इससे हमें वीक लिंक का पता चल जाता है कि कमजोर कौन है, ठीक है। जैसे एक कोरस है, कोरस समझते हो, जो गाना गाते हैं ग्रुप में? यस सर। यस सर।
अब सब लोग बड़ा अच्छा गा रहे हैं लेकिन एक जगह जाके सुरताल बदल जा रही है। तो टीचर ने क्या किया, एक एक स्टूडेंट को बुलाया और अलग से बोला मेरे सामने गा के दिखाओ। तो एक्स नाम का पर्सन था, उसी की आवाज सबसे खराब थी। तो जब मैम ने अलग से चेक किया तो वीक लिंक पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया। कोरस में तो सब एक साथ, जैसे क्लास में मैं भी जाऊंगा ना, बोलूंगा आंसर आता है क्या, कोरस में ग्रुप में सब हाँ हाँ बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट से पूछ लिया कहीं बीच में और अगर वो नहीं बता पाया तो क्लास में क्या कहलाएगा? वीक लिंक। वीक लिंक। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, जो भी वर्क प्लेस होती है, कई बार कुछ लोग कमजोर होते हैं जो एफिशिएंट लोगों की आड़ में छुपे रहते हैं, पकड़ाते नहीं है, तो मैनेजमेंट ऑडिट करने से इनकी वीकनेस का पता लगता है। तो अगर पॉजिटिव इंसान होगा तो वीकनेस को पहचान के दूर करने की कोशिश करेगा। सही बात है, गलत बात है? सही बात। देन अगर मैं मैनेजमेंट ऑडिट कर रहा हूँ तो इससे हेल्थ इंडिकेटर भी मिल जाते हैं कि वर्कर्स का हेल्थ लेवल कैसा है। अगर कोई वर्कर सीक या बीमार है तो मैं उसको छुट्टी दे दूंगा, और एफिशिएंट है तो अच्छे से काम कराऊंगा। एंड लास्ट थिंग, मैनेजमेंट ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्व कर दो, एंटिसिपेट कर दो प्रॉब्लम को, आने से पहले ही सॉल्व कर दो, और अगर आ गई है तो फिर रेमेडी दो, क्या करो। तो आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट ऑडिट करने के। सबसे पहला रिसोर्सेस का बेटर इस्तेमाल, दूसरा एफिशिएंसीज को हाईलाइट करना मतलब पॉजिटिव चीजों को, तीसरा परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, चौथा वीक लिंक को ढूंढना, पांचवा लोगों की हेल्थ पे ध्यान देना, और छठवा प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्व कर देना। शांत मन से पढ़ो, यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही नोटिंग कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ? यस सर। कर दो यस सर, आप बताओगे आगे बढ़ूं तो मैं बढ़ता हूं। कोई लाइन, कोई पॉइंट, कोई वर्ड जो ना समझ आए या पूरा ही नहीं समझ आए तो भी बताओ सर, पूरा एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल से सारी चीज समझा दो। कोई लाइन में डाउट, कहीं डाउट हो तो बताओ, एक एक चीज पढ़ डालो। पढ़ दिया बेटा? Done sir, done, yes sir. तो हमने क्या क्या पढ़ दिया आज की क्लास में? हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, फिर हमने उसका पर्पस पढ़ दिया है, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ दिया है। हमको पर्पस और ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसमें हमको तकलीफ नहीं है, मैं मान के चलता हूँ। सही बात है? Yes sir. अब हम लोग जैसे पर्पस पढ़ दिए और ऑब्जेक्टिव पढ़ दिए, तो हम आते हैं बेसिकली बेनिफिट्स पे। फायदा क्या है देख लो, नीड जो दिया है ना, नीड में ये सारे बेनिफिट्स दिए हैं। ओके, ठीक है, यस सर। क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, तो अपने को ये लिखना रहेगा। ठीक है, शुरू करें? यस सर। सबसे पहला, अगर आपने मैनेजमेंट ऑडिट किया है तो आपको एकदम अच्छे से पता है कि किसका काम कैसा है, किसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाने में बहुत हेल्प हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प होगी। यहां लिख देता हूं मैं, फ्रेमिंग पॉलिसीज, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप देख के बनाओगे और ऑब्जेक्टिव और प्रॉपर सेट कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके मैनेजमेंट के लोगों की एफिशिएंसी कितनी है। यह सबसे पहला फायदा हो जाता है। ठीक है, देन आप अचीवेबल प्लान्स बना पाओगे, ऐसे प्लान जिसको ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे अचीव कर सकती है, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी उसके हिसाब से वैसा प्लान बनाओ। बहुत आसान है, देखो आपने मैनेजमेंट ऑडिट कर लिया है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा आइडिया है, तो उस हिसाब से आप पॉलिसीज बना सकते हो, ऐसे प्लान्स बना सकते हो जो अचीवेबल नेचर के होंगे। तीसरी बात, आप एक फ्रेमवर्क बना पाओगे जिससे आप उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। एक तो होता है प्लान बनाना और दूसरा होता है इम्प्लीमेंट करना। तो अगर आपने मैनेजमेंट ऑडिट किया हुआ है तो आप प्लान को आराम से इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। आप बताओ पहले, तीन पॉइंट समझ आए कि नहीं है? आपको तीन पॉइंट समझ आए कि नहीं? फर्स्ट थ्री ये बताओ। हाँ यार, यस सर।
आ गए। फोर्थ पॉइंट, आपको सिस्टम्स और प्रोसीजर बनाने में आसानी होगी क्योंकि सारे लोग अब आपके कोऑर्डिनेशन में आ गए हैं, आपको पता है कौन कैसा है क्या है, तो उस हिसाब से आप एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम या प्रोसीजर बना लो, मतलब कौन क्या करेगा। अगर किसी की एफिशिएंसी अकाउंट्स पढ़ाने में अच्छी है तो मैं उसको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने दूंगा कि अकाउंट्स पढ़ाने दूंगा, खुद सोचो। अकाउंट्स, सीधी सी बात है ना। तो बात यह होती है कि जब आप मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो तो सबकी कैपेबिलिटी आपको पता लग गई है, तो उस हिसाब से आप सिस्टम एंड प्रोसीजर बना सकते हो कौन क्या करेगा। देन आपको स्वॉट करने में मदद मिलेगी। देखो फ्यूचर में क्या होने वाला है हमको नहीं पता, लेकिन अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आइडिया हो तो फ्यूचर में आने वाली चीजें हमें समझ आ सकती है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि थ्रेट है। तो जब आप मैनेजमेंट ऑडिट करते हो तो उसमें आपको स्वॉट करने में भी बहुत मदद मिलती है, आपको ये पहचान पड़ती है कि आपकी ताकत क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या है। तो कल को अगर आप पर कोई चीज इफेक्ट करी तो फिर या तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगा। आप बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छे से क्या डाल? अच्छे से। देन गवर्नमेंट मैनेजमेंट ऑडिट का गवर्नमेंट यूसेज भी है, जितना भी गवर्नमेंट का ऑडिट होता है CAG करती है, CAG करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, समझते हो ये बात? नहीं समझते? यस सर। ये लोग भी कई बार मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ पे फंड वेस्ट हो रहे हैं, वेस्टेज ऑफ फंड्स कहाँ पे हो रहा है, ताकि फंड वेस्टेज को क्या किया जा सके, रोका जा सके। क्लियर है? बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। एग्जाम्पल चाहिए कि क्लैरिटी है? एग्जाम्पल सर। एग्जाम्पल चाहिए। ईयर था 2010, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे हमारे देश में। एक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि वहां पर एक स्पोर्ट्स विलेज बनाएंगे दिल्ली में। सुने हो कभी इसके बारे में? नहीं सुने? नो नो सर। स्पोर्ट्स विलेज बनाएंगे, गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स विलेज को बनाने का बजट रखा था 800 करोड़, कितने का? 800। और गवर्नमेंट की कॉस्ट इसमें लग गई 800। फायदा है कि नुकसान है? नुकसान। सोचे थे 800 करोड़ में बन जाएगा, लग कितना गया? 65,000 करोड़ रुपीस, कुछ ज्यादा ही है ना। तो CAG ने क्या किया, ये देखा कि जब इतना स्टैंडर्ड रखा गया था, सब चीजें डिसाइडेड थी, तो इतना अमाउंट क्यों लगा? तो यहाँ पर पता लगा जो ये कॉमनवेल्थ गेम कराने के जो हेड थे, ठीक है, उनका नाम निजे कनी था। इन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट अपने रिश्तेदारों को दे दिया था, और जैसे एक एयर कंडीशनर जो है वो 35,000 का आ जाता, तो उसकी बिलिंग जो है 10 लाख की हुई थी एक एयर कंडीशनर की, और ऐसे ही 100 एयर कंडीशनर लगाए गए थे। तो फ्रॉड है, स्कैम है कि नहीं है, ये बताओ? है। तो यहाँ पे CAG ने जब मैनेजमेंट ऑडिट किया तो ये समझ आया कि निदेकनी नाम का जो पर्सन है, ठीक है, वो इन सब का जिम्मेदार है, और उसने ही ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे जो ओवर प्राइसिंग में पूरा स्पोर्ट्स विलेज बना के दिया और गवर्नमेंट को इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो इससे हमें ये समझ आता है बेसिकली कि इंडिया में मैनेजमेंट ऑडिट करने से हम किसी भी तरह के वेस्टफुल यूज ऑफ फंड को रोक सकते हैं, और जो ऐसा कर रहा है उसको जेल भेजा जाएगा। बात समझ आई कि नहीं है, ये बताओ? अच्छे से क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ निदेकनी को जेल भेज दिया गया। ओके सर। अच्छे से किया था दूर? अच्छे से। सिमिलरली बैंक में भी पब्लिक का पैसा जमा होता है, तो कई बार मैनेजर्स भी फ्रॉड निकल जाते हैं। जैसे इतने बड़े बड़े केसेस हुए, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन सबको, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बैंक के लोग जिम्मेदार है कि नहीं है, ये बताओ? है। तो अगर मैनेजमेंट ऑडिट होगा, अगर मैनेजमेंट ऑडिट होगा तो क्या इन लोगों के ऐसा करने की हिम्मत पड़ेगी? नहीं। तो जितने भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बैंक है या बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, अब ये हट गया देश से, अब ये नहीं रह गया, ठीक है, ये लोग भी मैनेजमेंट ऑडिट कराते हैं ताकि ये देख सके कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही है। आपको कितना समझ आया बेनिफिट्स?
आपको कितने समझ आए बेनिफिट्स ये बताओ, जितने टिक कराए अच्छे समझ आ गए? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, एक बार रीड करते हैं। हाँ रीड कर दो ना, आप आराम से पढ़ते, कोई और बड़ी इसको रीड आउट कर दो। मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट अभी नहीं कराया क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, ये मैं कराऊंगा लेकिन कुछ दिन के बाद। भावना मेरी आवाज आ रही है? भावना मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। मैं ना आपको ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, भेज दूंगा, ठीक है? आप इसको आज पढ़ दें और कल से फिर एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग जमा करके पढ़ेंगे। वरदा को समझ आ गया बेटा? यस सर। ये पूरा पढ़ दिए एक एक लाइन एक एक वर्ड? यस सर। कोई तक नोट कर रही हूँ सर। हाँ हाँ करो करो, जब हो जाए तो मुझे बताना कि सर हमने ये कर दिया। इसको बेटा अपन बुक से ही पढ़ेंगे ना, मॉड्यूल ही पढ़ेंगे हम लोग, कहीं और इधर उधर कोई दुनियादारी नहीं, एक एक लाइन पढ़ डालेंगे बुक की, ठीक है? ये बेनिफिट्स, जैसे इतने बेनिफिट हो गए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेनिफिट क्या है, तो क्वेश्चन अगर आपका 7 मार्क का आता है तो 7 बेनिफिट कम से कम लिख के आना। मैं आपको बता तो बहुत सारे दे रहा हूँ। रेलवे भी मैनेजमेंट ऑडिट कराता है, आप कभी ट्रेन में बैठे होगे देखना फीडबैक फॉर्म लगा होता है, आपने देखा है क्या? नहीं। नहीं देखना, जो दरवाजा होता है ना उसके पास एक फीडबैक फॉर्म होता है कि क्लीनिंग कैसी है ट्रेन की, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिमिलरली रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे ना तो वहां पे भी आपको फीडबैक फॉर्म मिल सकते हैं जिसको आप फिल करके इंडिपेंडेंटली बता सकते हैं कि रेलवे से आपकी क्या क्या शिकायतें हैं। तो जब आप ये बताओगे ना तो रेलवे अपने रिसोर्सेस को क्या करता है उस हिसाब से और सुधारता है। आप हर चीज पे फीडबैक दे सकते हो रेलवे में, आपको 139 या 189 से आजकल कॉल भी आता है जब आप ट्रेन से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। कभी आया नहीं आया आज तक? नहीं सर, ध्यान नहीं दिया। कभी देखना, अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे ना तो आपको कॉल आएगा ये पूछने के लिए कि आपका फीडबैक क्या रहा, आपका सफर क्या रहा, कैसा रहा। भाई रेलवे देखो पब्लिक के पैसों से चलता है, पब्लिक के फाइनेंस से चलता है, तो वो भी समय समय पर क्या फीडबैक देते रहते हैं, अपना ऑडिट करते रहते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। बताइए कितना क्लियर है? यस सर क्लियर। अच्छे से, तो इतने पॉइंट हम फोकस करके पढ़ेंगे, इतने पॉइंट हमारे फोकस हैं, ये हम पढ़ेंगे, क्या आप कर पाओगे? हाँ या ना? यस यस सर, यस सर। आज की क्लास में हम ये कर रहे हैं, ठीक है? आज हमने क्या क्या पढ़ दिया आज, क्योंकि पहली क्लास है तो बहुत सारी चीज नहीं बताऊंगा, इतना ही पढ़ो जितना आपके लिए जरूरी हो। आपने मीनिंग पढ़ दी, आपने पर्पस पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, बेनिफिट पढ़ा। वरदा आपको एकदम क्लियर है कि नहीं बेटा? यस सर। भावना आप लेट ज्वाइन करे, आप ये वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है? Okay, yes, कल 11:30 बजे हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके टूल्स क्या है, कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? 11:30 sharp Zoom पे इसी लिंक पे मिलेंगे जो लिंक है। Yes. Okay, yes,